आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार, मेरा नाम है विपिन चौधरी। आज बात करेंगे देश के बड़े चैनल्स पर चल रहे सबसे बड़े मुद्दे की। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड के भीतर काफ़ी कुछ चल रहा है। जितना चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा चर्चा है। चर्चा का आलम तो यह है कि देश के मीडिया और लोगों को कोरोना की चिंता न होकर इस बात की फिक्र है कि कंगना का घर गिरेगा या नहीं, रिया चक्रवर्ती को क्या सज़ा मिलेगी। खैर, लोगों को क्या है, उन्हें तो आदत है कभी हरी चटनी और कभी मूंगफली के साथ रामलीला देखने की, और कभी पॉपकॉर्न के साथ रंग दे बसंती देखने की। जनता को बस मनोरंजन चाहिए, लेकिन सरकार या मनोरंजन कराने वाले बेवकूफ तो होते नहीं हैं कि फोकट में अपना समय और रुपया बर्बाद करें। उनके तो अपने एजेंडे होते हैं जिन्हें वो पूरा करते हैं और फिर दुकान समेट कर कहीं और कोई पिक्चर दिखा रहे होते हैं। चलिए छोड़िए, यह सब आते जाते हैं। अब आते हैं असल मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि बॉलीवुड में चल क्या रहा है और इतना क्या खास है कि सभी मीडिया चैनल से लेकर आम आदमी तक उस पर ही चर्चा कर रहा है। एक पिक्चर तो बिल्कुल साफ है जो आप दिन भर हर जगह देखते हैं, लेकिन एक और पिक्चर है जिसे शायद बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। पहली कहानी में सुशांत है, रिया है, कंगना है, और बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो बिहार में चुनाव दिखेगा। लेकिन इसके अलावा एक और कहानी है जिसे समझने के लिए आपको क्रोनोलॉजी समझनी होगी। वैसे तो ये आपको मालूम ही होगा कि क्रोनोलॉजी शब्द को फेमस करने वाले हमारे गृह मंत्री अमित शाह हैं। इस बात का जिक्र इसलिए किया ताकि आपको क्रोनोलॉजी शब्द की अहमियत समझ आ जाए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इस पूरे मसले के पीछे की कहानी क्या है। तो शुरू करते हैं। राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो जाने के बाद RSS प्रमुख मोहन भागवत के बयान से सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर फैसला आने के बाद ऐसी चर्चा थी कि संघ और BJP अब मथुरा और काशी में नई मुहिम शुरू करेंगे। लेकिन संघ प्रमुख ने अपने बयान में बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि अब इस तरह के किसी मुद्दे को प्रमुखता नहीं दी जाएगी। उस वक्त उन्होंने एक बात और स्पष्ट कही थी कि अब व्यक्ति निर्माण में ध्यान दिया जाना चाहिए। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर मोहन भागवत ने आशा व्यक्त करते हुए कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के साथ ही सभी लोग अपने मन में मंदिर का भी निर्माण करेंगे। इसके बाद एक और घटना को समझते हैं। यह मामला है आमिर खान से जुड़ा हुआ। आमिर खान की हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ एक फ़ोटो बड़ी वायरल हुई और फिर लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आईं। इस मामले पर RSS के मुखपत्र 5 जन्य में एक लेख प्रकाशित हुआ था। इस लेख की भी कुछ प्रमुख बातों को समझ लेते हैं। 5 जन्य में लिखा है कि जिस तरह आमिर खान तुर्की जाकर देशवासियों की भावनाओं को ठेंगा दिखा रहे हैं, उन्हें इसे समझने की ज़रूरत है। लेख में आमिर खान को चीन की सत्ताधारी पार्टी का प्यारा बताया गया। आमिर खान पर यह भी आरोप लगाया गया कि वह भारत विरोधी ताकतों से हिलजुल रहे हैं। इसी लेख में संघ ने यह भी कहा था कि आज़ादी के बाद देश में देशभक्ति फिल्मों का चलन हो गया था। यह फिल्में देश की जनता के अंदर देश भावना जगाती थी, पर कुछ समय तक यह फिल्में नेपथ्य में चली गईं। पिछले कुछ समय से एक बार फिर देशभक्ति फिल्में बनने लगी हैं, लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अभिनेता और फिल्मकार हैं जिन्हें अपने देश के दुश्मनों से प्यार है। उन्हें देश से ज़्यादा चीन और तुर्की पसंद है। अब बात करते हैं हाल ही में समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष व विधायक अबू आजमी के दिए गए उस बयान की जिसमें उन्होंने कंगना रनौत पर RSS का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया था। दरअसल कुछ दिनों पहले अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार और यहाँ के पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष व विधायक अबू आजमी ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि मुझे महाराष्ट्र सरकार पर और यहाँ के पुलिस पर पूरी तरह भरोसा है और वह कहीं भी नाकामयाब नहीं है। अगर कंगना रनौत को ऐसा लगता है तो वे उनके महाराष्ट्र राज्य में ना आएँ और उनके हिमाचल राज्य में रहें। आजमी ने आगे यह भी कहा
कि कंगना रनौत पूरी तरह आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा चला रही हैं। अब तक फिल्म इंडस्ट्रीज में कभी धर्मवाद नहीं हुआ, पर कंगना आरएसएस और बीजेपी की बोली बोलते हुए फिल्म इंडस्ट्रीज में धर्मवाद फैला रही हैं। कुल मिलाकर अगर गौर से समझा जाए तो सुशांत सिंह से लेकर शुरू हुई कहानी जो कि अभी उत्तर प्रदेश में बन रही फिल्म सिटी तक पहुंची है, बड़ी लंबी चलने वाली है। यह सिर्फ बिहार चुनाव तक या महाराष्ट्र की राजनीति तक सिमटी हुई कहानी नहीं है, इसका कैनवास बहुत बड़ा है जिसमें अभी बहुत रंग भरे जाने बाकी हैं। मंदसौर विश्वविद्यालय के जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मनीष जैसल का कहना है कि फिल्मों का प्रभाव लोगों पर काफ़ी गहरा होता है, इसलिए जाहिर तौर पर किसी भी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए यह एक बेहतर माध्यम है। उन्होंने कहा कि संघ की नज़र अब तक शिक्षण संस्थानों पर है, जिसका परिणाम है कि आज देश के लगभग सभी बड़े विश्वविद्यालयों में उनके लोग हैं और उनकी विचारधारा का प्रसार हो रहा है। वहीं अब आरएसएस संस्कृति पर भी अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है, इसके लिए फिल्मों यानी विजुअल मीडियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस एजेंडे को प्रमुखता दी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएचबीसी न्यूज।